की बात जो हमारा जो चैप्टर है वो डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल में मेन क्वेश्चन है आप लोगों के पास ना जो भी है पहले जो भी 2.5, ठीक है। तो क्या करना है हमें इस पॉइंट को खत्म करना है, ठीक है। क्या करते हैं खत्म करना है तो उसके लिए 25 पॉइंट की जगह पर क्या करें 1 है और जो भी जितने भी नंबर होंगे उनकी जगह पर 0 लगेंगे, ठीक है। तो एक ही नंबर है तो 1 0, ठीक है। एक 0 लगाइए आप ये तो ये कट सकता है बिल्कुल कट सकता है, ठीक है। 5 के साथ 5 के साथ 5 2 था 10 5 5 था 25 था इसका 5 डिवाइड बाय 2 तो ये आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 5 2, ठीक है। 2 का 4 1, ठीक है। ये आगे भी हो सकता है, ये आंसर भी ठीक है और नीचे डिवाइड के जरिए भी आंसर आ सकते हैं, ठीक है। चलो चलो दूसरा क्वेश्चन है जो डेसिमल एंड टू फंक्शन, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है 3.625 जब आपके पास ये पॉइंट आ जाए ना, जब पॉइंट आ जाए ये पॉइंट जो है तो इसके बाद आप इस तरह ये पढ़ सकते हैं कि 625 इस तरह आप पढ़ोगे तो गलत ये भूल के खिलाफ वर्जी है। तो आप इसके जब भी पॉइंट आ जाए उसके बाद आप एक एक नंबर पढ़ेंगे 6.25 याद रखें, यू याद रखें, ठीक है। 6 पॉइंट के बाद एक एक नंबर को आप यूनियन करेंगे, ठीक है। तो 3625 या पॉइंट की जगह पर 1 3 0 1 0 ये हो गया, 1 0 दूसरा ये भी हो गया, 1 0 दूसरा ये भी हो गया, 3 0। तो अभी ये को कर सकता है आप, ये को कर सकता है, ठीक है। काट को नहीं कर सकता है, डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो रहा, बस वही आपका आंसर है। तो ये देखिए 5 के साथ करेंगे 2 0 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 5 10 35, ठीक है। तो 1 2 10, ठीक है। फिर 5 ये आ जाएगा आप लोगों के पास 7 25 और 200, ठीक है। तो दोबारा सोल्व हो सकता है, कर सकता है बिल्कुल 5 के साथ में 4 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, तो 1 आया 2 4 4 4 आया तो ये 145 डिवाइड 40, ठीक है। तो आप इसे दोबारा कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। 5 के साथ ये और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9 29 डिवाइड बाय। तो अभी ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, डिवाइड के सर करेंगे ये से आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 29 और 8 3 सर 24 3 24